We're India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. दोस्तों हमारे देश में किसी प्रोफेशन की इज्जत भले हो या ना हो, मगर इंडियन आर्मी के लिए हम सब ने अपने अपने दिलों में इज्जत का अलग से ही बेंचमार्क बना रखा है, जिसमें हम आर्मी से जुड़े हर एक फौजी को बिठाते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडियन आर्मी में घुसने के बाद की जिंदगी कितनी मुश्किल और कष्ट भरी होती है, वहीं हम में से कई लोग ये नहीं जानते कि आर्मी में घुसने से पहले क्या क्या करना पड़ता है। जहां बच्चे फिजिकल रिटर्न में जैसे तैसे पास हो जाते हैं, लेकिन वहीं उन्हें एक चीज जो सबसे ज्यादा सताती है वो होती है मेडिकल। और मेडिकल ऐसे वैसे नहीं होता, इसमें पूरे शरीर का, जी हाँ, एक एक अंग जिनमें प्राइवेट पार्ट्स भी शामिल है, सबका टेस्ट किया जाता है। तो चलिए आज जान लेते हैं एक भारतीय को भारतीय सेना में घुसने के लिए क्या क्या टेस्ट देने पड़ते हैं। टेस्टिकल टेस्ट। दोस्तों इंडियन आर्मी में जाना इतना आसान नहीं है और इसका रास्ता होकर गुजरता है टेस्टिकल टेस्ट से लेकर इसमें अंडकोश का भी चेकअप किया जाता है और इस जांच के दौरान उम्मीदवार के अंडकोश को अच्छी तरीके से जांचा जाता है कि कहीं उनका साइज अधिक तो नहीं है या फिर कम ज्यादा तो नहीं है। जी हाँ, यहाँ अगर एक गोली दूसरी गोली से बड़ी होती है तो उम्मीदवारों को निकाल दिया जाता है, साथ ही अगर दोनों गोलियां जरूरत से ज्यादा बड़ी होती है तो भी निकाल दिया जाता है। इसमें एक परफेक्ट साइज के अंडकोश वाले कैंडिडेट को भी रखा जाता है। इस जांच के दौरान ये भी जाना जाता है कि उन्हें वो कहीं किसी बड़ी समस्या का शिकार तो नहीं है या फिर उनके गुप्त अंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और अगर है तो फिर इंडियन आर्मी के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं। पाइल्स टेस्ट। इस टेस्ट के दौरान उम्मीदवारों के पिछले हिस्से में बवासीर देखी जाती है, कहीं उनके शरीर में बवासीर तो नहीं है। और यहाँ जानने वाली बात यह है कि ये समस्या बहुत लोगों के अंदर होती है और बहुत से लोगों को ये पता भी नहीं होता कि उन्हें बवासीर है, इसलिए ये जरूरी जांच होती है। अगर ये बवासीर किसी उम्मीदवार के अंदर निकली तो उसे भर्ती से निकाल दिया जाता है, मगर यहाँ एक चांस भी दिया जाता है जिसमें उसे री मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। यहाँ ये बात जानने वाली है कि इंडियन आर्मी में घुसने से पहले हर कैंडिडेट को अपना ये बवासीर का टेस्ट करवा ही लेना चाहिए, वरना सारी की सारी मेहनत एक झटके में बेकार हो सकती है। लिंग की जांच। दोस्तों इंडियन आर्मी में जैसा हमने कहा, एक भी अंग को नहीं छोड़ा जाता और किसी भी तरह की लापरवाही भी नहीं बरती जाती, तो यहाँ भी लिंग की जांच पूरे अच्छे तरीके से होती है, जिसमें एक डॉक्टर के सामने कैंडिडेट को अपना लिंग दिखाना होता है। डॉक्टर उसके लिंग की जांच करता है, जिसमें सबसे पहले देखा जाता है कहीं उसकी स्किन ज्यादा बाहर तो नहीं है, अगर है तो उसको निकाल दिया जाता है। साथ ही उस स्किन का कैप से पूरा पीछे जाना भी जरूरी है, ऐसा ना होने पर कैंडिडेट्स को निकाला जा सकता है। इसके अलावा अगर लिंग के आसपास कोई गंदगी होती है तो भी उस कैंडिडेट को कंसिडर नहीं किया जाता। यहाँ ये बात बताने वाली है कि लिंग के साइज से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, लिंग छोटा हो या बड़ा उससे कोई लेना देना नहीं है, लिंग की हेल्थ मैटर करती है। साथ ही आपको बता दें, इस टेस्ट में सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स को जहाँ दिक्कत आती है और जहाँ कैंडिडेट सबसे ज्यादा निकाले जाते हैं वो है लिंग के एक्टिव होने पर, क्योंकि अगर डॉक्टर लिंग को हाथ लगाकर चेक करता है और लिंग तुरंत ही एक्टिव होकर तैयार हो जाता है तो ये कैंडिडेट के लिए परेशानी की बात हो सकती है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि एक फौज में जाने के लिए फौजी को कितना धैर्य और खुद की मानसिकता पर काबू रखना पड़ता है। यहाँ आपको बता दें, मेडिकल टेस्ट में सारे टेस्टों में टफ टेस्ट होता है चेस्ट का। अब इस टेस्ट में क्या होता है, सभी उम्मीदवारों को मिनिमम 5 सेंटीमीटर अपना चेस्ट फुलाना पड़ता है। आपको ये 5 सेंटीमीटर की संख्या बहुत छोटी लग रही है, मगर जब छाती फुलाने की बारी आती है ना, तो एक एक सेंटीमीटर में जान निकल जाती है। इसमें भी सभी उम्मीदवार अपने चेस्ट अंदर की ओर खींचते हैं और फुलाते हैं, और जो 5 सेंटीमीटर से 0.1 सेंटीमीटर भी नहीं फुला पाता वो हो जाता है यहीं पर रिजेक्ट। सोचिए, आपने रिटर्न क्लियर किया, फिजिकल क्लियर किया और यहाँ बस 0.1 cm की वजह से आपका सपना टूट गया, कितना बुरा लगता होगा ना, उस समय हम सोच भी नहीं सकते। यहाँ समझने वाली बात यह है कि इसको पास कैसे किया जाए। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, अगर आप घबराते हैं तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि आप अपना चेस्ट फुला ही नहीं पाओगे, क्योंकि सही तरीके से अपने अंदर हवा नहीं खींच पाओगे, जिसकी वजह से वो फूल भी नहीं पाएंगी। इसलिए जरूरी होता है उम्मीदवार का अपना शरीर नॉर्मल रखें। वेट टेस्ट। इसके बाद बारी आती है वेट टेस्ट की, जिसमें मिनिमम वेट या फिर कहें सभी उम्मीदवारों का वेट नॉर्मल 50 किलो होना चाहिए। इससे कम वजन होने पर उम्मीदवार को भर्ती से निकाल दिया जाता है, मगर ये खेल यही खत्म नहीं होता, सिर्फ 50 किलो मिनिमम क्राइटेरिया है। इसके बाद आपका वजन आपके शरीर की लंबाई के हिसाब से होना चाहिए। इसके बाद नंबर आता है बॉडी मार्क टेस्ट का,
बॉडी मार्क्स टेस्ट के दौरान आपके शरीर में वो निशान देखे जाते हैं जो कि आपने बनवाए हैं, मगर ये सभी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इसके अलावा नेचुरल बने निशानों को भी देखा जाता है, जो शायद आपको चोट लगने से या कहीं गिरने से, घिसने से आए हों। और अब आप समझ गए होंगे, इसमें से किसी भी टाइप का टैटू तो चलता ही नहीं है। और अगर कोई भी बॉडी मार्क्स आपके शरीर में पाया जाता है तो उस मार्क्स की अच्छे तरीके से जाँच होती है, और अगर वो निशान आपके शरीर पर गलत जगह पर हुए या फिर आपके शरीर पर किसी प्रकार का गलत निशान हुआ तो आपको भर्ती से तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे सही है कि अगर शरीर में निशान है तो भाई इंडियन आर्मी आपके लिए नहीं बनी है। हालांकि किसी चोट का निशान होने पर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी कि किसी टैटू का निशान होने पर आती है। आपके शरीर पर नेचुरल कोई भी बॉडी मार्क्स है तो उससे कोई भी इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे कि शरीर पर मस्से होना, शरीर पर तिल होना, मगर अंत में ये सब जांचकर्ता पर डिपेंड करता है। अगर उसने मान लिया कि इस निशान से प्रॉब्लम नहीं होगी तो आप सेलेक्ट हो सकते हैं। नॉक नी टेस्ट। इस टेस्ट में सभी उम्मीदवारों को सावधान पोजीशन में खड़ा किया जाता है, और इस टेस्ट के दौरान आपके पैरों से लेकर घुटने तक आपके पैरों को अच्छी तरह से देखा जाता है। नॉकनी टेस्ट में देखा जाता है कहीं आपके घुटने आपस में टकरा तो नहीं रहे। इस टेस्ट के दौरान अगर घुटने आपस में मिल रहे होंगे तो यहाँ भी उम्मीदवारों को इस भर्ती से बाहर निकाल दिया जा सकता है। मगर यहाँ भी ये कहानी नहीं रुकती। आपको बता दें, घुटने आपस में ना टकरा सकते हैं और ना ही उनमें ज्यादा गैप होना चाहिए। हालांकि जब घुटनों में ज्यादा गैप होता है तो उम्मीदवारों को समय दिया जा सकता है और उन्हें रीमेडिकल के लिए भेजा जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी इंडियन आर्मी के मेडिकल टेस्ट के बारे में जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको ये सब जानकर पता चल गया होगा कि हमारे देश की सेवा करने का मौका हर किसी को नहीं मिल पाता। कुछ अलग ही होते हैं वो लोग जिन्हें सरहद पर सीना चौड़ा करके खड़े होने का वक्त नसीब होता है। इसी के साथ हम चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए।